Good morning, students. Today we will study the next chapter of English language, that is articles. What are articles? Articles are the words a, an, and the that we use before the nouns. We use articles like the for definite words, definite nouns. Now, first let us study that how many alphabets are in English language. There are 26 letters. 26 letters hote hain English alphabet mein, isn't it? Now, in these 26 alphabets, 5 alphabets ऐसे होते हैं जिनको हम लोग वोवल्स कहते हैं. What are they? They are A, E, I, O, U. ये जो 5 alphabets हैं इनको हम लोग वोवल्स कहते हैं. और rest of the alphabets यानि कि 26 में से 5 alphabets वोवल्स होते हैं और rest 21 जितने भी अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ओके, नाउ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देर आर 5 वोवल्स. कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. और बाकी जितने भी हैं 21 अल्फ़ाबेट्स उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. नाउ जब जो भी वर्ड, कोई भी वर्ड जो वोवल साउंड से स्टार्ट होता हो, ओके, इन केस ऑफ वोवल साउंड वी यूज द आर्टिकल एन. कोई भी वर्ड जो वोवल साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? वी यूज एन, ए एन, एन. In case of consonant sound, we use the article a. जो words consonant sound से start होते हैं उनके पहले हम लोग article a use करते हैं. Okay? Now let us see the examples. See the first one. James is a 10-year-old. A हम लोगों ने कहाँ use करा है? 10 के पहले. नाउ 10 में फर्स्ट लेटर टी है और फर्स्ट साउंड भी ट आ रहा है. नाउ टी डजंट कम इन वोवल्स, टी वोवल्स में नहीं आता है, तो हम लोग टी के पहले कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं? आ. सी द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड सेंटेंस देखिए. ही हैज एन अम्ब्रेला. He has an umbrella. Now, again हम लोगों ने umbrella के पहले एक article use किया है. उधर क्या है? An, an. Why have we used an? हम लोगों ने an क्यों use करा है? क्योंकि umbrella का first letter, first alphabet कौन सा है? U. और U जो है वो vowels में आता है. A, E, I, O, U. तो इस वजह से हम लोग umbrella के पहले आर्टिकल N यूज करेंगे. See the third sentence. थर्ड सेंटेंस देखिए. His brother gave him an ice cream. So, again, ice cream के पहले आर्टिकल यूज किया हुआ है. उसके भाई ने उसको ice cream दिया. नाउ आइसक्रीम के पहले कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है? एन, एन. अगेन वाई? बिकॉज आई कम्स इन वोवल्स. आई से स्टार्ट हो रहा है आइसक्रीम, तो फिर उसके पहले हम लोग आर्टिकल एन यूज करेंगे. नाउ सी द फोर्थ सेंटेंस. नाउ फोर्थ सेंटेंस ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा. He spends an hour with his pet dog. Now you see, R के
पहले आर्टिकल यूज किया हुआ है एन आर. सी द स्पेलिंग ऑफ आर. इट इज एच ओ यू आर. लेकिन एच तो वोवल्स में नहीं आता है, है ना? तो बट जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, हम लोग करते हैं आर, यानी कि एच साइलेंट है. एच को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बट जब हम लोग लिखेंगे तब हम लोग एच ओ यू आर आर कहेंगे. दैट मीन्स जब ये वर्ड जो है इसका फर्स्ट साउंड कौन सा आ रहा है, ओ का. ओ यू आर, एच ओ यू आर, बट प्रोनाउंसिएशन इज आर. दैट्स वाई वी विल यूज द आर्टिकल एन. जिन वर्ड्स में फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन वोवल्स में आता है, तो उसके लिए भी हम लोग आर्टिकल एन यूज करेंगे. ओके, सी, फॉर अ फ्यू वर्ड्स लाइक ऑनर, आर, ऑनेस्ट, वी यूज द आर्टिकल एन बिकॉज इन दिस केस एच इज साइलेंट. जिन केस में एच साइलेंट होता है और वर्ड जो है वो वोवल साउंडिंग होता है, तो इस वजह से उनको हम लोग, उनके पहले हम लोग आर्टिकल एन यूज करते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. इन द नेक्स्ट पेज यू सी Now fill in the blanks with A and N. First वाला कौन सा है? मृदुल has dash laptop. तो ये हमारा L से start हो रहा है. L comes under consonant. तो हम लोग कौन सा article use करेंगे? We will use a laptop. मृदुल has a laptop. Second one, Anjali purchased an इंक पॉट. अगेन आई हमारा इंक पॉट का, आई हमारा कौन वोवल्स में आता है, तो इस वजह से हम लोग ए एन एन यूज करेंगे. द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल. शॉर्ट टेल, शॉर्ट अगेन एस, एस कम्स अंडर कॉन्सोनेंट्स, सो इट वी विल यूज द एल आर्टिकल आ. फोर्थ वन, टॉम ईट्स एन एप्पल डेली. एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, साउंडिंग भी ए है, तो इस वजह से हम लोग आर्टिकल एन यूज करेंगे. टॉम ईट्स एन एप्पल डेली. फिफ्थ वन, स्मिथ प्लेज विद एन एरोप्लेन. अगेन ए, सो वी विल राइट एन एरोप्लेन. सी, कम टू द नेक्स्ट पेज. See the sixth sentence. The baby has dash doll. D comes under consonant. कोई silent word भी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग a doll लिखेंगे. Mr. Kapoor got dash x-ray of his back. Now x-ray. X में हम लोग का प्रोनाउंस, हम लोग X किस तरह करते हैं? EX, X होता है तो हम लोग X प्रोनाउंस करेंगे. इस वजह से X-ray से पहले भी हम लोगों का आर्टिकल N आएगा. सो द सेंटेंस विल बी मिस्टर कपूर गॉट एन X-ray ऑफ हिज बैक. नाउ eighth सेंटेंस देखिए. रॉनी ब्रॉट A new pen. Again N consonant है, तो हम लोग आर्टिकल A यूज़ करेंगे. Ninth sentence, Irene ate an egg today. E comes under vowels, हम लोग आर्टिकल N यूज़ करेंगे. Ten, sentence number 10, Alex is reading a grammar book. Again G is a consonant, तो हम लोग आर्टिकल आ यूज करेंगे.
a grammar book. Now, अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल्स ए और एन के बारे में पढ़ा है. आई एम श्योर यू आर क्लियर अबाउट इट नाउ. ए और एन का यूसेज आपको पता चल गया होगा. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द आर्टिकल द. आर्टिकल द कहाँ यूज़ होता है? आर्टिकल द इज़ यूज्ड फॉर अ डेफिनेट थिंग, पर्सन, places and so on. Article the जो है वो particular nouns के लिए use होता है. Particular मतलब जिसके बारे में आप जानते हैं या जिस चीज़ को आप जानते हैं उस चीज़ को particular thing बताते हैं, particular person बताते हैं, उसके लिए हम लोग article the use करते हैं. Now see the sentences. There is a book on the table. Now यहाँ पर दो articles use हुए हैं, a book and the table. That means there is a book. A means it can be any book. कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं पता है. एक बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है. बट वी नो अबाउट द टेबल कि कौन से टेबल के ऊपर रखी है. तो इस वजह से टेबल जो है वो डेफिनेट नाउन हो गया. ओके, वो हो गया हमारा पर्टिकुलर नाउन. लेकिन अ बुक, बुक इज़ अ कॉमन नाउन, तो हम लोग बुक के लिए आ यूज़ कर लेंगे. अब पर्टिकुलर नाउन्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग आर्टिकल द यूज़ करते हैं. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. द इंग्लिश बुक इज़ ऑन द टेबल. नाउ अब हम लोगों को पता है कि कौन सी बुक टेबल के ऊपर रखी है, इंग्लिश बुक. तो इसके लिए हम लोग आर्टिकल द यूज़ करेंगे. नाउ यू विल यूज़ द आर्टिकल द इंग्लिश बुक इज़ ऑन द टेबल. दोनों नाउन्स जो हैं वो डेफिनेट हैं, वो पर्टिकुलर हैं. ओके, हमें पता है कौन सी बुक, कौन सा टेबल. अंडरस्टूड? ओके, जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग आर्टिकल द यूज़ करते हैं. जो कॉमन होंगी उनके लिए हम लोग ए या फिर एन यूज करेंगे. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट केसेस वेयर वी यूज द. नाउ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम लोग द यूज करते हैं. जैसे कि सी द फर्स्ट वन, इन केस ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे कि पुराने एम्परर्स ने बिल्डिंग्स बनाई हैं, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हो चुके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, तो वो एक ही है पूरी दुनिया में. रेड फोर्ट, वो भी पूरी दुनिया में एक ही है. तो ऐसी चीज़ों के सामने, उस ऐसी चीज़ों के पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ करते हैं. सो हम लोग किस तरह लिखेंगे? इट वी विल राइट द रेड फोर्ट, द ताज महल, क्योंकि ये एक ही है पूरी दुनिया में अकेले. ओके, सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट केस देखो. इन केस ऑफ न्यूज़पेपर्स. नाउ जब न्यूज़पेपर्स आते हैं, एक ही न्यूज़पेपर तो नहीं होता है, बहुत सारे तरह तरह के न्यूज़पेपर्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं. हिंदी न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं. तो इंग्लिश के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स. तो ये जो हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो हैं, इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं. इस नाम से न्यूज़पेपर आता है. किसी किसी के घर में द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, किसी किसी के घर में द हिंदुस्तान टाइम्स आता है. तो ये क्या है? न्यूज़पेपर्स के पर्टिकुलर नेम्स हैं, है ना? न्यूज़पेपर्स के अलग अलग नाम हैं. तो ये भी एक पर्टिकुलर नेम हुआ, प्रॉपर नाउन ही हुआ.
तो इस केस में भी जो नेम्स दिए गए हैं न्यूज़पेपर्स के, उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी पर्टिकुलर हो गई, ये भी डेफिनेट है। ओके, नाउ सी द थर्ड केस। थर्ड केस देखिए, इन केस ऑफ एपिक्स। एपिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर एपिक्स? एपिक्स आर वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरीज अबाउट द किंग्स, वॉरियर्स, जो हमारे पुराने पूर्वजों में जो बहुत ही महान देवता रह चुके हैं, महान लोग रह चुके हैं, उनके ऊपर जो पूरी कहानी लिखी गई है, पूरी बुक लिखी गई है, जो ब्रेवरी के बारे में उनके, तो वो उनको हम कहते हैं एपिक्स। नाउ क्या क्या एपिक्स होते हैं? रामायण, आजकल आप लोग रामायण भी देख रहे हैं, तो वो रामायण जो है वो भी एक एपिक है, लॉर्ड रामा के बारे में है, इजंट इट? नाउ दैट इज़ एन एपिक। नाउ दीज एपिक्स, जो एपिक्स लिखे गए हैं, उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ करते हैं, लाइक द बाइबल, बाइबल इज़ ऑन जीज लॉर्ड जीसस, द रामायण, द महाभारत। ओके, नाउ इन द फोर्थ केस, फोर्थ केस में देखिए, जो ट्रेन्स के नाम होते हैं, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं अब तो, है ना, तो हर ट्रेन का नाम अलग अलग होता है, सबके रूट्स अलग होते हैं, तो ये जो ट्रेन के नेम्स हैं उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ करते हैं, लाइक द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। ओके, इन द फिफ्थ केस, इन केस ऑफ सीज, सीज जो होते हैं उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ करते हैं, लाइक द अरेबियन सी, आप लोगों ने मैप में देखा होगा, इजंट इट? अरेबियन सी, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, तो ये सब क्या हैं? ये सारे सी के नेम्स हैं, तो ये नेम्स जो हैं इनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ करेंगे। ओके, दैट मीन्स ये जितनी भी चीज़ें थी, ये प्रॉपर नाउन्स थे, पर्टिकुलर थे, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं कि इन चीज़ों के पहले ही हम लोग आर्टिकल द यूज़ करेंगे। और भी प्रॉपर नाउन्स हैं, और भी डेफिनेट चीज़ें हैं, लेकिन उनके सामने हम लोग कई कई बार आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी दोज। सी पेज के एंड में देखिए, वी डोंट यूज़ आर्टिकल द इन द फॉलोइंग केसेस। नाउ कहाँ कहाँ हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं? सी द फर्स्ट वन, विथ नेम्स ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स, सिटीज, विलेजेस, स्ट्रीट्स, पार्क्स। तो जो कंट्रीज़ के नेम होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के नेम, टाउन्स के नेम, सिटीज़, विलेजेस, स्ट्रीट्स, पार्क्स, इन सब जगहों के नेम्स जो होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं। ओके, ये इंग्लिश का रूल है, ये एक रूल है कि इन चीज़ों के सामने हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। लाइक इंडिया, वी डोंट से द इंडिया, एशिया, हम लोग द एशिया तो नहीं कहते हैं। सेंट्रल पार्क, पार्क का नेम जो होता है उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। ओके, मेन स्ट्रीट, स्ट्रीट के नेम के पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ अ रूल, ये रूल है इसका। कम टू द नेक्स्ट पेज, और कहाँ हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं? सी द सेकेंड वन, विथ नेम्स ऑफ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स जो होते हैं उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं। लाइक मैकडॉनल्ड्स, वो क्या है? वो भी एक रेस्टोरेंट होते हैं। हेरोल्ड्स,
ये भी ब्रांड्स होते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स और शॉप्स के नेम्स होते हैं यहाँ, जैसे कि दीपक स्वीट शॉप है तो उसके पहले भी दा दीपक तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए रेस्टोरेंट्स और शॉप्स के पहले नेम्स के पहले भी आर्टिकल दा यूज़ नहीं होता है। सी द थर्ड वन विथ नेम्स ऑफ कंपनीज, जो कंपनी के नेम होते हैं लाइक फिएट, फिएट IBM, सोनी, ब्रिटिश एयरवेज, ये सब क्या हैं, ये सब कंपनीज के नेम हैं। फिएट एक किसकी कार की कंपनी है, ओके। सोनी, सोनी के तो सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं लाइक TV, मोबाइल्स एंड ऑल। ब्रिटिश एयरवेज एयरलाइंस में है, तो ये सब क्या है, कंपनीज़ के नेम्स हैं। तो जो कंपनीज़ के नेम्स होते हैं उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल दा यूज़ नहीं करते हैं। विथ माउंटेंस एंड आइलैंड्स, नाउ देयर आर मैनी माउंटेंस एंड आइलैंड्स इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो ये जो माउंटेंस के नेम्स दिए हुए हैं, हाईएस्ट माउंटेन, साउथ में कौन सा माउंटेन, सब माउंटेंस के नेम्स हैं, इजंट इट। इंडिया में भी लॉन्गेस्ट कौन सा है, हिमालयाज, इजंट इट, लॉन्गेस्ट रेंज है। तो हम लोग द हिमालयाज तो नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो माउंटेन रेंज का नेम है, तो हम लोग वहाँ पर आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। अदर एग्जांपल्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ईस्टर आइलैंड, श्रीलंका, द्वीप लक्षद्वीप, तो ये माउंट एवरेस्ट माउंटेन का नेम है, उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। ईस्टर आइलैंड आइलैंड का नेम है, उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। श्रीलंका और लक्षद्वीप ये भी आइलैंड्स हैं, इनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे, ओके। नाउ द सी द फिफ्थ केस, फिफ्थ केस में विथ नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, है ना, और सबके अलग अलग फेवरेट स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये भी पर्टिकुलर ही है, लेकिन रूल क्या है कि हम लोग स्पोर्ट्स के पहले भी आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे, ओके। सो We have studied about the articles today, isn't it students? तो articles में क्या होते हैं, कौन से articles हम लोग ने study किए आज, articles a, an, the, three articles होते हैं, a, an, the। a हम लोग कहाँ use करते हैं, आ, article आ हम लोग वहाँ use करते हैं जो words consonant से start होते हैं, ओके। आर्टिकल एन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, आर्टिकल एन हम लोग जो वर्ड्स वोवल साउंडिंग होते हैं या वोवल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल एन यूज़ करते हैं। और आर्टिकल दा कहाँ यूज़ करते हैं, आर्टिकल दा डेफिनेट वर्ड्स के, पर्टिकुलर नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं, बट देर आर केसेस एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हम लोग आर्टिकल दा यूज़ नहीं करते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन है, डेफिनेट है फिर भी, ओके।